बच्चों, हम लोग कल जो वीडियो में शैडो फॉर्मेशन के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम जो कॉन्सेप्ट जो केस लिया गया था, वो जो सोर्स जो था वो क्या था, लेसर था ऑब्जेक्ट लेंथ की। आज और उस पे हम डिफरेंट डिफरेंट केस पढ़ चुके हैं कि उसकी अम्ब्रा और पिनम्ब्रा पे रेडियस पे क्या असर करने वाला है। लेकिन आज क्या है कि हम सेकेंड केस लेंगे, और सेकेंड केस हमारा है कि सेकेंड केस में, केस नंबर सेकेंड, इसमें क्या लेना है कि लेंथ जो होगा इस समय, लेंथ ऑफ सोर्स वो ग्रेटर है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, और दोनों यह कहाँ है, एक्सटेंडेड सोर्स है, एक्सटेंडेड। तो क्या लिखोगे बच्चों, यह सोर्स हमारा क्या है, बड़ा है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और यह स्क्रीन है, यह स्क्रीन है। पूरा खेल ज्योमेट्री का है। यदि आप लाइन उल्टा इधर उधर करते हो तो आपको बिल्कुल फील ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखना है, क्या सिखाए थे कि फर्स्ट, जैसे हर या सोर्स का, जैसे यह सोर्स है हमारा, सोर्स या ऑब्जेक्ट और यह स्क्रीन मानते हैं ना, स्क्रीन है यह हमारा, स्क्रीन या हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। जैसे यह सोर्स का हर एक पॉइंट क्या है, एक इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करेगा। तो फर्स्ट वन क्या है कि जो टॉप या सोर्स का टॉप और ऑब्जेक्ट के टॉप से रे पास कराओ, सोर्स का टॉप और ऑब्जेक्ट के टॉप से लाइट पास करा गए, रे पास किया इस तरह से। दूसरा बात क्या करते थे, सोर्स का बॉटम, यह भी तो एक बल्ब जैसा काम करेगा, पॉइंट सोर्स जैसा, तो यहां से एक रे पास कराइए इस तरह से यहां। दूसरी बात क्या करते थे कि जो सोर्स का जो बॉटम है और ऑब्जेक्ट का जो टॉप है उससे रे पास कराते थे सोर्स का इस तरह से। ध्यान रहे कंस्ट्रक्शन खराब ना हो, नहीं तो आप कुछ भी फील नहीं आएगा इसमें। इतना हो गया। अब क्या करो, टॉप सोर्स का टॉप ऑब्जेक्ट का बॉटम से रे पास कराते हैं। चलिए हो गया। अब क्या करो कि यह जो हमारा रीजन आता था उसको हम क्या बोलते थे, अम्ब्रा, और यह जो रीजन आएगा वो हमारा क्या होगा, पिनम्ब्रा, और यह जो रीजन है यह भी हमारा क्या होगा, पिनम्ब्रा। पिनम्ब्रा वह रीजन होता था जहां कुछ कुछ लाइट आता है, और यह वह रीजन है बिल्कुल डार्क है, लाइट कोई आएगा ही नहीं, नहीं आएगा तो उस, यहाँ पे शैडो फॉर्मेशन, सही बोला जाए तो यहाँ पे शैडो फॉर्मेशन, जो रीजन में शैडो फॉर्मेशन होता है वही हमारा क्या होगा, अम्ब्रा होगा, और यह पिनम्ब्रा जिसमें कुछ कुछ लाइट आए। तो इसको क्या करते थे, ऑप्टेन किया जाता था स्क्रीन पर, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता था, यह स्क्रीन है बच्चों, यह स्क्रीन। तो क्या बनता था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता था इस तरह से। यह हमें क्या होता था, बिल्कुल डार्क, डार्क बिल्कुल इस तरह से डार्क। इसमें क्या है, डीम ब्राइट होता था, डीम ब्राइट, और यह बिल्कुल ब्राइट रहता था, मतलब ब्राइट होने, स्क्रीन का जो यह पोर्शन है स्क्रीन का, इसमें तो कुछ ना कुछ लाइट आएगा,
और यह बिल्कुल इसमें लाइट नहीं आएगा, यह आम्रा और यह पिनम्ब्रा। तो यह हमारा क्या होता था, इसको बोल लेते थे पिनम्ब्रा और यह हमारा क्या होता था आम्रा। इतना हुआ। अब क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस है। पहले तो ऑब्जेक्ट को मतलब यह सोर्स को पकड़ो। केस इसमें भी केस फर्स्ट में हम लेफ्ट करते हैं सोर्स, सोर्स मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन व्हाट इफेक्ट ऑफ, व्हाट इफेक्ट ऑफ रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा। रेडियस किसके, रेडियस के अम्ब्रा और पिनम्ब्रा के रेडियस पर क्या असर पड़ेगा। तो यह हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से लिख भी लेना है। तो अब देखो इसको किधर, इधर शिफ्ट करो लेफ्ट डायरेक्शन में। सोर्स को किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट। तो देखिए सपोज यहां पे आ गया होगा, यहां पे आया होगा, यह डॉटेड लाइन से हम डिनोट कर रहे हैं। बस ध्यान से देखता है, कुछ नहीं है। अब क्या है, जैसे पूरा कॉन्सेप्ट सोर्स को टॉप का और टॉप के ऑब्जेक्ट से लाइट को पास कराई है, कुछ ऐसे डॉटेड लाइन से पास करा रहे हैं इस तरह से। और यह अब क्या करते थे, सोर्स का टॉप ऑब्जेक्ट के बॉटम से, सोर्स का टॉप ऑब्जेक्ट के बॉटम से। देखिए इसका सोर्स का टॉप बॉटम ऑब्जेक्ट का टॉप, क्या असर पड़ा। अब जो डॉटेड लाइन है ये वाला, वो देखो तो अम्ब्रा हुआ और यह क्या हुआ, यहां से हम पिनम्ब्रा। जस्ट लाइक यहां भी होगी रीजन अम्ब्रा पिनम्ब्रा, तो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, बोथ रेडियस, बोथ रेडियस आर डिक्रीजेज, डिक्रीजेज अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा, अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा दोनों क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा, नीचे की ओर डिक्रीज करने वाला है, या रेडियस जो है वो डिक्रीज मतलब कुछ ऐसा बनने वाला है, ऐसा यह सर्कल, यह सर्कल मतलब यह बिल्कुल ब्राइट, और यह पिनम्ब्रा, यह अम्ब्रा और यह ब्राइट रीजन रहेगा। तो इसमें डीम लाइट रहेगा, डीम ब्राइट, ड्रीम ब्राइट, और यह क्या होगा बिल्कुल डार्क शैडो बनाएगा इस तरह से। रेडियस क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा। दूसरा केस लेते हैं बच्चों, दूसरा केस। अब सोर्स को हम क्या करते हैं, मूव करा दो राइट डायरेक्शन में, सोर्स को क्या करो मूव करो राइट डायरेक्शन में, तो क्या असर पड़ता है उसको देखो। तो राइट डायरेक्शन में केस नंबर टू में देखना क्या है, सोर्स को मूव करो राइट डायरेक्शन में, सोर्स को मूव करना है, सोर्स मूव इन राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। बच्चों क्या है, यहां पे आप सपोज यहां पे देख लीजिए, यहां पे सोर्स यहां पे आ गया होगा ना, यही डॉटेड लाइन से जो इनार है ना,
कंस्ट्रक्शन बिल्कुल कुछ नहीं है कंस्ट्रक्शन के अलावा। अब क्या करोगे, इसको मिलाओ पहले, अब ऑब्जेक्ट के टॉप, सोर्स का टॉप ऑब्जेक्ट के टॉप से देखो और रिड्यूस। हो रहा है कि बिल्कुल अभी जीरो नहीं हुआ, अभी कुछ यहां पे आके मिलेगा। आगे देखो, इसका टॉप उसके बॉटम से, ऑब्जेक्ट की बॉटम से इस तरह से। अब क्या है हमारा अमरा देखने के बाद क्या होगा, अमरा जो है, अमरा इस केस में तो डिक्रीज करता है, लेकिन पिनम्ब्रा जो है, पिनम्ब्रा वह क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। तो क्या है कुल मिला के आपका कंस्ट्रक्शन ही है कि क्या इंक्रीज, मतलब आप कंस्ट्रक्शन ध्यान से करते हो, ज्योमेट्री सही से लगाते हो, तो हो ही नहीं सकता है कि आपके वो गलत हो जाए। बस ध्यान रखना है कि सोर्स के टॉप बॉटम और ऑब्जेक्ट का टॉप से मिलाओ, उसके बाद सोर्स का टॉप ऑब्जेक्ट के बॉटम से राइट पास करो, फिर क्या करना है सोर्स का बॉटम ऑब्जेक्ट का टॉप से राइट पास कराओ, और फिर क्या करना है सोर्स का टॉप बॉटम और ऑब्जेक्ट के बॉटम से, ऑब्जेक्ट के मतलब सोर्स का, ध्यान रहे क्या बोले, सोर्स का टॉप ऑब्जेक्ट के बॉटम से पास कराओ, सोर्स का बॉटम ऑब्जेक्ट के टॉप से पास कराओ, और फिर क्या करना है सोर्स का और टॉप ऑब्जेक्ट का टॉप से पास कराना है, उसके बाद क्या करना है सोर्स का मतलब बॉटम और ऑब्जेक्ट के बॉटम से पास कराओ। तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है उसी को, जहां पे शैडो रीजन मिलेगा उसको अमरा, और जहां पे शैडो रीजन नहीं मिलेगा उसको पिनम्ब्रा बोल लेते हैं। तो यह तो राइट शिफ्ट किए तो ऐसा हुआ राइट ना। अब क्या करेंगे हम, फिर ऑब्जेक्ट को पकड़ो, ऑब्जेक्ट को अब लेफ्ट और राइट शिफ्ट करके देखिए कि आपको क्या असर पड़ता है। ऑब्जेक्ट को ध्यान से देख लीजिए, ऑब्जेक्ट को अब क्या करते हैं हम, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट शिफ्ट करो तो क्या असर पड़ेगा देखो ध्यान से। यहां इसको अब हम रब कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर ध्यान रहे देखिए क्या हो रहा है। सोर्स बड़ा रखना है, ऑब्जेक्ट को छोटा करना है, क्या करना है ऑब्जेक्ट को छोटा, स्क्रीन है हमारा इस तरह से, यही बॉटम से। अब क्या करोगे, इसकी टॉप और इसकी बॉटम, कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना, हम थोड़ा स्क्रीन को और दूर ले जाओ, स्क्रीन को कुछ ऐसा बनाइए, क्या है यह, इतना भी ज्यादा नहीं हो गया इस तरह से। अब क्या करोगे, इसका टॉप इसके बॉटम से, इसके बॉटम उसके टॉप, ध्यान रहे इतना बार बार बनाने का मेन मकसद है कि आपको फील आए कि क्या कर रहा है ना। इसके बाद क्या करोगे, ये हुआ अमरा और यह रीजन जो है वो पिनम्ब्रा का है, और यह रीजन जो है यह भी हमारा पिनम्ब्रा ही है। अब क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट,
मतलब इस डायरेक्शन में लेफ्ट, तो देखना क्या है, कुछ यहां पे आएगा ऑब्जेक्ट, इस तरह से कुछ आएगा यहां पे। अब क्या करो, हम इसको मिला, सोर्स को रेस्ट में रखना है तो इसके टॉप से पास कराइए इस तरह से, यहां से भी पास कराओ, देख रहे हो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसकी बॉटम, इसकी टॉप और इसकी बॉटम, इसकी टॉप इसकी बॉटम, इन हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज। इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि अमरा पर अमरा जो होगा वो डिक्रीज होगा और पिनम्ब्रा जो होगा बच्चों, पिनम्ब्रा वह क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। जब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं तब की बात है, जब ऑब्जेक्ट को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट राइट शिफ्ट करेंगे तो अमरा पे और पिनम्ब्रा पे क्या असर पड़ेगा उसको देखिए, अमरा और पिनम्ब्रा पर क्या असर पड़ेगा। अब इसको हम कहां पे राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करो ऑब्जेक्ट को, कुछ ऐसा बने, देखना यहां पे ना? अब जब यहां से अभी भी रेस्ट में है सोर्स, सोर्स को किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना है, सोर्स और स्क्रीन को, अब क्या है, फिर से देखिए, बढ़ाइए इसको, यहां टॉप उसके टॉप से, या इस समय ये लाइन हम यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, इस तरह से यह क्या होने वाला है, इस तरह से यह अमरा, यह रीजन अमरा का ना, और पिनम्ब्रा क्या होगा, देखना यहां से पास कराओ, कमिंग कैमरा, देखिए ये वाला जो लाइन सब है वह क्या हो रहा है, कम रहा है कि नहीं, पहले क्या था ये है, अब यहां पे रीजन आ गया है, तो अमरा जो है वो बढ़ा और पिनम्ब्रा क्या है, अमरा बढ़ा और पिनम्ब्रा घटा, तो यह ऑब्जेक्ट के जब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं बच्चों तो अमरा पे डिक्रीजिंग हुआ, अमरा की रेडियस की बात करते हैं, पिनम्ब्रा क्या होगा, रेडियस इंक्रीज करेगा। सेकंड राइट जब शिफ्ट किए तो अमरा का रेडियस इंक्रीज किया, पिनम्ब्रा का रेडियस डिक्रीज किया, इस तरह से एक और केस आता है, इसमें स्क्रीन को आगे आगे बढ़ाइए लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में, तो उसमें बहुत अच्छा चीज देखने को मिलता है। तो बच्चों यहां पर देखो, अब स्क्रीन को क्या करो, हम लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, इसी में सीखते हैं, स्क्रीन को क्या करो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करो, स्क्रीन को देखिए क्या होने वाला है, स्क्रीन का केस लेते हैं ना? यहां पे ऑब्जेक्ट स्क्रीन, ऑब्जेक्ट को क्या रखना है, छोटा लेंथ में, और स्क्रीन की लेंथ बड़ा रखनी है, क्या रखना है, बड़ा, इस तरह से बनाओ, अब क्या लिखोगे, इस तरह से जाएगा, यही हमारा पिनम्ब्रा या अमरा और यह पिनम्ब्रा, यह रीजन। अब
ऑब्जेक्ट को क्या करो, मतलब ये स्क्रीन को पहले लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कीजिए, स्क्रीन को लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, क्या करना है, स्क्रीन को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो देखना है कि क्या असर पड़ेगा। स्क्रीन को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ रीजन आने वाला है। मान लो यहाँ पे स्क्रीन को यदि हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन अपने आप दिखेगा बच्चों, देखो क्या है, यह तो इस पे कमेंट कीजिए, स्क्रीन जब यहाँ पे आ गया तो पिनम्ब्रा क्या होगा, पिनम्ब्रा का लेंथ यहाँ, अब पिनम्ब्रा क्या हो रहा है, घट रहा है, रिड्यूस कर रहा है यहाँ ना, अब यही रीजन ना होगा रे, यही रीजन ना होगा, और पिनम्ब्रा, और पिनम्ब्रा क्या हो रहा है, यह रीजन हो जाएगा, तो क्या होगा, अमरा पे अमरा जो है, अमरा वह इंक्रीज किया और पिनम्ब्रा जो है, पिनम्ब्रा वह क्या हुआ, हमारा यह डिक्रीज किया स्क्रीन को लेफ्ट करने के बाद। अब स्क्रीन को राइट करके देखिए तो क्या असर पड़ने वाला है, स्क्रीन को लेफ्ट की बात कर रहा है, राइट की बात करेंगे तो क्या होगा, देखना हम यहाँ पे स्क्रीन को यहाँ पे लेके आते हैं, तो जब अमरा को आगे की ओर बढ़ाओगे इसको, तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे अमरा जो है वो जीरो होते हुए नजर आ रहा है, पी पॉइंट पर क्या होगा, जीरो। अब क्या है, जब इससे भी आगे की ओर बढ़ाओगे, इससे भी आगे की ओर बढ़ाओगे तो कुछ ऐसा होने वाला है, देखिए क्रॉस हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहीं पे सीखने वाली बात है कि अमरा तो यहाँ पे रेडियस इसका जीरो हो गया, अमरा का रेडियस P पॉइंट पे जीरो हो गया, लेकिन जो M पॉइंट है, जो M पॉइंट माने हैं, यहाँ पे क्या है, फिर से अमरा इंक्रीज कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अमरा जो है, अमरा वह फर्स्ट टाइम जीरो एट पॉइंट P, then amra increases, क्या लिखोगे, अमरा डायरेक्टली तो इंक्रीज करेगा। उसके बाद क्या है, अब ऐसा है स्क्रीन क्या, इसमें जो है अब इस पॉइंट पे तो बिल्कुल डार्क बना, डार्क बनेगा अमरा। अब यहां पे क्या है, यह अमरा इंक्रीज कर रहा है लेकिन अमरा नहीं बोला जाएगा। अब इस रीजन में बच्चों कुछ कुछ लाइट आने लगता है, जब आप ट्रेन करोगे स्क्रीन पर निकाल के, तो यहाँ पे अब वह बिल्कुल डार्क नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ कुछ लाइट आएगा, इसको बोलते हैं ब्राइट स्पॉट। जब यहाँ पे लाइट आना चालू हो जाएगा तो यह स्पॉट को हम क्या बोलते हैं कि पी पॉइंट बी एम पॉइंट पर क्या हुआ, ब्राइट स्पॉट, अमरा नहीं बोलेंगे, ब्राइट स्पॉट बोलेंगे। और पिनम्ब्रा की असर क्या है, देखना तो यहाँ फिर पिनम्ब्रा जो आगे की ओर बढ़ाइएगा तो पिनम्ब्रा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, पिनम्ब्रा जो है वह इंक्रीज ही करेगा। तो क्या होने वाला है, फर्स्ट टाइम तो हमारा डिक्रीज किया और पिनम्ब्रा क्या है, पिनम्ब्रा ये राइट जब शिफ्ट करे हैं तब की बात करते हैं, लेफ्ट वाले में तो देख लिए अमरा इंक्रीज पिनम्ब्रा डिक्रीज, राइट जब स्क्रीन को शिफ्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम अमरा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, जीरो हुआ डिक्रीज होके, उसके बाद क्या हुआ, फिर इंक्रीज होना चालू हुआ, कुछ ऐसा जो यहाँ एम पॉइंट पर तो ऑब्टेन होने वाला है स्क्रीन वो ऐसा होगा। देखना बच्चों, यह भी स्क्रीन, यह भी रेडियस, यह भी पिनम्ब्रा, तो यह जो है यह अब डीम ब्राइट रहेगा, यह भी डीम ब्राइट रहेगा, ये तो ब्राइट रहेगा ही रहेगा। मतलब कुल मिला के कि जब स्क्रीन को जब आप राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कीजिएगा तो एक ऐसा कंडीशन आता है जहां पे अमरा जो है अमरा में भी ब्राइट मतलब डीम ब्राइट मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट आते हुए दिखेगा।
तो इस तरह से कहानी बनता है। आपको बस ध्यान रखना है कंस्ट्रक्शन पे और इससे ही बनता है। यदि कंस्ट्रक्शन आप ज्योमेट्री गलत लेते हो तो 100% आपको गलत आंसर आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। दैट्स इट। अगले दिन हम क्या करते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे।